मुझे कफन पहना दो, फिर मैदान में चले जाना। मुख्तार को पहले ही नारिया से इश्क का काफी खमियाजा भुगतना पड़ा है। जाओ, मेरे रास्ते की रुकावट मत बनो। क्या हुआ नारिया? तुम तो कान लगाए हुए खड़ी थी मक्कार, सुन तो लिया, उसने इश्क का खमियाजा उठा लिया है। हाय, तुफ है तुम्हारी मैयत पे नारिया, काश मेरा मुर्दा बाप वो ना होता जिस पर रसूल खुदा नाराज थे। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो नारिया? मुर्दे नहीं उखाड़ रही हूँ जारिया, दिल रो रहा है। मैं समरा इब्ने जुंदब के अलावा किसी की भी बेटी होती तो अपनी नजरों की तेजी से मुख्तार की ज़बान काट देती। अब भी कर सकती हो? नहीं हो सकती जारिया, तुम्हारे चचा जान के वसवसे ज्यादा कारी थे, वो मैदान में उतरना चाहते हैं। ठीक है, जाए तो मैं भी उसके पाँव की जंजीर नहीं बनना चाहती। नहीं, बजाहिर शायद तुम्हें भी मुख्तार को जंगी लिबास में देखना बुरा नहीं लगेगा। हाँ, क्यों नहीं, मुख्तार जंगली लिबास में दिलकश लगता है बनिस्बत किसानों के लिबास के। जब वो अपनी दाढ़ी छोटी करता है तो और भी मगरूर लगता है। नारिया, तुम क्यों हसद नहीं करती? मुख्तार का जंगी लिबास तुम्हारा दुश्मन है, उस बात से डरो जो तुम्हारा घर उजाड़ सकती है। वाकई? जरा सोचो नारिया, मुख्तार मैदान में जाएगा तो सिर्फ हसन के दुश्मनों का दिल ही नहीं दहल जाएगा बल्कि अरब की काली आंखों वाली लड़कियों की एक बहुत बड़ी तादाद उसमें मरती है और गश खाती। ईरानी अफसानों में एक पहलवान है जिसका नाम है रुस्तम, जो अजदहा और बड़े से बड़े देव को मार डालता है। मकसद? तुम रुस्तम की शबीह बन गए हो, जो नामुमकिन जंगों का पहलवान और दुश्वार मैदानों का फातेह है। मैं हमेशा अपने ख्यालों के रुस्तम को तुम्हारे जैसा देखता था। ज्ञान, मैं मुख्तार हूं, अपने ही शबी हूं। अगर तुम्हारी कहानियों का रुस्तम भी आ जाए तो इन हिजड़ों की जमात के साथ नहीं चल पाएगा। हालात जैसा मैं सोच रहा था उससे ज्यादा नाजुक हैं। वो हाथ जो गोद में सोना रखता है, उसकी मुट्ठी में छुपा हुआ खंजर भी होता है। इस बार मुआविया ने अपनी बेटी को सोने के जहेज के साथ नेजे पर बुलंद किया है। फकत खुदा ही इमाम मुश्तबा को इस मक्कारी के शर से महफूज रख सकता है। आके मैं बुजुर्ग के हुक्म से हजरत वाली मुख्तार ने लड़ने के लिए कमर कस ली है ताकि गलती करने वालों और बागियों की गर्दन तोड़ सके। अरब और अजम की लड़ाई मक्कार दुश्मनों की एक चाल है। शिप्रे बक्की, तलवार हिंदी और जिरहे दाऊदी, लश्कर शाम की है उसके बारे में जितना भी सुना होगा कम है। ऐसे लड़ाकू लोग मैंने आज तक किसी इंसान को उनके जैसे कद्दोकामत का नहीं देखा। कुदरत खुदा की, उनकी गर्दनें गोया गाय की गर्दनें, रान देव की, कमर और बाजू गधे के बाजू, आंखें ऐसी खौफनाक जैसे देव की आंखें। जब मेरी नजर रुंजी नाद पे पड़ी तो फौरन मैंने अपना कलमा पढ़ लिया। मैंने इल्तमास की तो समझ गए मैं इराकी हूँ। आपकी आंखें बुरा दिन न देखें,
मुझे उल्टा लटका कर इतना मारा, मत पूछे। हम कैसे मान लें कि तुम इराकी हो? कैसे? मेरे लहजे से हम इराकियों का ऐनगैन शामियों के ऐनगैन से फर्क रखता है। अमान उनके कूजों से, वो कूजे नहीं काली बुलाए। खुदाया, मुसलमान न देखे, काफिर न सुने, बहनों में से कोई हामला तो नहीं? शाम के लश्कर के खौफ ने तुम्हारी अकल को जायल कर दिया है। कूजे का आमला औरत से क्या वास्ता? ये कि मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों में से किसी बच्चे का कातिल बनूं। अगर कोई हामला औरत की सुन ले कि मैंने शामियों के कूजों में क्या देखा, तो डर के मारे उसका बच्चा गिर जाएगा। इन अदाओं से तो तुमने हमारी जान निकाल दी, अब बता भी दो कि तुमने कूजों में क्या देखा। बिच्छू, जंगजू बिच्छू, हजार बिच्छुओं वाले कूजे ऊँटों पे लाद के लाए हैं और मजीदीकों के जरिए उन्हें मदार के घरों पे बेचना चाहते हैं। मैंने अर्ज किया था ना, खुदाया माफ करना, शरई जिम्मेदारी के तौर पर मुसलमानों को इस खतरे से आगाह करना था, खुदाया माफ करना। ये सब फितने सिर्फ और सिर्फ फजूल बकवास है, मुझे तो ये शाम का दज्जाल लगता है। खुदाया हमें शाम के दज्जाल के शर से महफूज रखो। इतने सारे बिच्छुओं को कूजों में कैसे डाल सकते हैं? कूजे को बिच्छुओं से भरा है, ना ये कि बिच्छुओं को कूजे से। बेशक ये शामी चेलों में से है, इसके हाथ पांव बांध दो। जी अमीर। उतरो सर। बिच्छू कैसे? और ये शहर, शहर मदाइन, आपके शहर को खुदा की मदद से ऐसे शामियों के जेलों से पाक कर दूंगा। किस गुनाह में मारा गया? ऐ मदाइन के लोगों, किस गुनाह के जुर्म में आप लोगों को एक बेहुदा जंग का लुक्मा बनाना चाहते हैं? आज आप लोग उस शख्स के मेहमान हैं जिसकी खातिर आप लोगों का खून बहे जाने की कोई दलील नहीं है या नामूस की बेहुरमती हो। कहीं देर ना हो जाए और शामी आप लोगों पर मंजनीकों से और रोमी तोपों से हमला करके आपके घरों को जला दे। हसन इब्ने अली के पास क्या जवाब है कि वो आपके शहर की तरफ आए, जबकि उसे पता है कि वो जंग हार चुका है? मैं उन मुजाहिदों के मजमे से आ रहा हूँ जो अपने शहीद भाई जरा इब्ने सनान के अजादार हैं। वो शहीद जिसने सिर्फ कसद कुर्बत की नीयत से अबू तुराब के बेटे को जख्मी किया और खुद शहादत पर फाइज हो गया। ला हुक्म इल्लल्लाह। भाइयो, शरीयत मुहम्मदी में कहां ये लिखा है कि ईरान और रोम जैसी हुकूमतें विरासतों की जद में रहे? मुआविया अपने कबूतरबाज और बंदर से खेलने वाले बेटे के लिए हाथ पांव मार रहा है और अली के बेटे रसूल की रिश्तेदारी का गलत फायदा उठा रहे हैं। वो बोलना गया है तुम्हें आर्दक, खाली मैदान में रिजल्ट पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम खारजियों पे लानत हो कि अरब के लिए बायस दंगवार हो। तुम लोग जो आज मुआविया को काफिर समझते हो, कल सिफ्तैन में उनके मुसलमान होने पर क्यों गवाही दे रहे थे और क्यों उसके हाथों पे बैच कर ली? सुन रहे हो भाइयों, हम पर तोहमत लगा रहे हैं कि हम दीन से खारिज हो गए, जबकि शरीयत मुहम्मदी पर वफादार तरीन उम्मत हम है। हमारा कल और आज का नारा एक ही है, न मुआविया न अली और ना उनके बेटे। जब तक ये लोग हुक्मरान रहेंगे, भाई भाई की जंग बपा रहेगी,
और मुसलमानों के जिस्म के टुकड़े खाक पर गिरे होंगे और मुस्लिमीन के दरमियान फितना रहेगा। खुदा की कसम, जब तक ये सारे फितने बाकी हैं, जिहाद से बढ़कर कोई फजीलत नहीं। क्या हुआ, मुख्तार ने खेती बाड़ी छोड़ दी? अगर जरूरत है तो मुख्तार की मौजूदगी में रजिस्ट्री खानी करो। ये तनाजा अब देखने वाला है। अब आया मद्दे मुकाबिल। मैंने सुना है कि वो सिपे सालार बन गया है। डंडोरा पीटने वाले तो उसके अमीर मदायन होने का ऐलान कर रहे हैं। अमीर मदायन तो था मुख्तार। अमीर मदायन कहाँ से हो गया? मदायन का अमीर मुख्तार का चचा है। अजीब बात है कि चमगादड़ दिन के उजाले में मैदान में निकल आए। जहाँ तक मैं जानता हूँ, चमगादड़ रोशनी से डरता है और रात की तारीकी में शिकार के पीछे भागता है। तुम तो गैर जानिबदार थे और इस भाई भाई की जंग के खिलाफ थे अबू इसहाक। इसका मतलब है तुम्हें भी फरेबता कर लिया है उन लोगों ने। तुमने किस लालच में अपने दीन को दुनिया के बदले बेच दिया मुख्तार? बादशाह इराक के बदले? कैसे? जानते हो क्यों मैं बकौल तुम्हारे इस भाई भाई की जंग में किसी की हिमायत नहीं कर रहा था? इसकी दलील इस अदालत पर गुस्सा है जो तुम जैसे हैवानों को भौंकने और पंजा मारने का मौका देती है, और तुम लोग अवाम के दरमियान अपने जाहिलाना उपकार को चिल्ला चिल्ला कर फैलाते हो। खवारिज मेरी नजर में काफिर हर भी हैं जिनका खून बहाना हलाल है, चाहे वो तलवार खींचे या न खींचे। फकत इस बार तुम लोगों के खून से गुजर रहा हूँ। हुक्म का जमीन अलगैज व आफीन अन नास की इताअत करते हो। अब तुम लोग दफा हो जाओ और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। एक और बार तुम लोगों को मैंने देख लिया, तुम्हारी माँ को तुम्हारे गम में रुला दूंगा। जाओ और इस पैगाम को अपने खबीस दोस्तों तक पहुँचा दो। क्या तुम्हारी तलवार भी तुम्हारी जबान की तरह रजस्थानी करती है इराक के मुस्तकबिल के बादशाह? आज तक अपनी तलवार से कुत्ते को नहीं मारा। ज्ञान, इस शैतान की फौज को कोई मौका मत देना। इस गिरोह की रिहाई रैयत पर एक जफा है। इन सबको महल के कैदखाने में ले जाओ। जी अमीर। अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लो। आज के बाद कोई भी तलवार या लकड़ी या छुरा वगैरह लेकर शहर में शोर और बलवा बर्पा करेगा, वो मेरा दुश्मन है, मुजरिम है, चाहे वो अरब हो या ईरानी, उमवी हो या अलवी। आज के बाद मदाइन में अमन अमान का जिम्मेदार मुख्तार है और कोई नहीं। जोर, जोर, जोर। क्यों चेहरे पर 12 बजे हुए हैं मेरी जान? हुआ क्या है? मुख्तार मैदान में उतर आया है, तुमने नहीं सुना क्या? क्यों नहीं, मदाइन में आग लग गई और मुख्तार ने पानी की तरह उसको बुझा दिया। क्या नक्शा खींचा है उसने, किसी को भी मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। उसे घर में रोकने में नाकाम हो गई ना? मैं नहीं कर सकी हनाना, वो जाल में नहीं फंसा, और तो और नारिया का इश्क भी उसे रोक नहीं सका।
उसने अपने कान हर वसवसे के लिए बंद कर लिए हैं। तुम क्यों अपने आप को परेशान कर रही हो? अगर मुख्तार मैदान में उतर आए तो क्या उसने उमर के हाथ बांध दिए हैं? जब उमर इराक का बादशाह बनना चाहता है तो फिर तो उसे मुख्तार की रुकावटें हटानी पड़ेंगी। क्या वो ऐसा कर सकता है हनाना? तुम चाहो तो कर सकता है। अब उसने कौन सा ख्वाब देखा हुआ है? अच्छा ही देखा है बेटा, उमर और मुख्तार बचपन से ही दोस्त हैं, मामले को मिलकर हल कर लेंगे। इधर आओ, अगर तुम सुनोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि उसने तुम्हारे लिए कौन सी चाल सोच रखी है। इन रगने वाले मजूसियों को कत्ल कर दो। चलो ए जाहिल मजूस, तुम लोग वाजिबुल कत्ल हो, तड़पो और तड़पो। हक किसके साथ है, हाँ माविया या अली? हर जाय से नसर पर असर पोछ रुपया दो जो माविया के कुत्तों की खुराक में से लेकर आया। हक उसके साथ है जिसके पास सोना है या खुदा की ताकत। मार चुके ये इंसान का सर है या गधे का सर? ये सींग तुम्हारे सर पर क्या कर सकता है? खर, तूने गड़ा खोदा, उसी में तू गिरेगा। बेशक तू गिरेगा। ए खर, तूने जो किया है सो भुगतना तो पड़ेगा, पिट पिट के मरेगा। ए खर, क्योंकि तू गधा है तुझे चाबुक भी पड़ेगा, सहना तो पड़ेगा। ए खर, तू धोबी का कुत्ता है जो ना घाट ना घर का, तो हमारे बड़े और छोटे पर रहम नहीं करेगा। टिंडा खाने वाले अरब, तुम्हारा दिल मदाइन और मदाइन वालों के लिए फिक्रमंद नहीं, बल्कि सबको पता है कि खजरमी अरब माविया के चेले हैं। तुम लोग डर रहे हो कि कहीं माविया तुम्हारी रोटी रिश्वत ना बंद कर दे। अहमद खंजे, माविया इतना सखी है कि अगर खदे को भी अस्तबल में बांधता है तो उसकी आगे अजरबिया डाल लेता है। तुम जो अली के बेटे की मोहब्बत का चर्चा करते हो, वो तुम्हें कौन से फूलों का हार बना देगा खदे कहेंगे? अली के बेटे की अदालत के लिए यही बात है कि वो अरब और अजम को एक निगाह से देखते हैं। हम उनकी सदा पर जान देने को तैयार हैं। खुदा, यही वजह काफी है कि हम अली के बेटे के खून के प्यासे। तुम लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो, इस आरज़ू को तुम लोग कब्र में ले जाओगे कि अरब और अजम एक हों। माविया के गधे, अरब लोग किस कबीले से हैं? तुम्हारी जबानें किसी जानवर का लुकमा बन गई हैं? मैं तुम सबकी जबानों को काट दूंगा ताकि सारी जिंदगी अपना तारुफ ना करवा सको। तुम हमें सूली पर चढ़ाना चाहते हो तो चढ़ा दो, हमारी कौम कबीले से तुम्हारा क्या वास्ता? तुम्हें सूली नहीं चाहिए, बुढ़े कौड़े चाहिए तुम्हें। फितनागर, शर और शरारत तुम्हारी निगाहों में कीड़े की तरह रीग रहा है। सरकार, ये लोग हजरमी अरबों में से हैं। तुम अजमों के किस शाखे से हो? दीलम के अजमों में से हूं।
خزرم یارب اور دل میاں جم کا تنازع، اس کا مطلب ہے جنگ، اموی اور علوی کی جنگ۔ مگر یہاں پر کیوں؟ مدائن میں رنگنے والوں کے بازار میں کیوں؟ شہر کے اندر تنازع کا مطلب فتنہ انگیزی یعنی جنگ، قانون اور امن کے خلاف جنگ، امیر سے جنگ۔ آج اس شہر کا امیر میں ہوں۔ لڑنے کے لیے مر جاتا ہوں میں۔ کیان؟ جی امیر۔ ان سب کے نامہ اعمال کا بغور جائزہ لو، جس نے بھی کوئی ضرب لگائی ہے یا کھائی ہے وہ مجرم ہے۔ جناب عالی، آپ پوچھیں گے نہیں یہ شور شرابہ اور لڑائی کس بات پر ہے؟ یہ سب قاضی کا کام ہے، نہ کہ امیر کا کام۔ دماغ ٹھکانے آئے؟ یہی تھی وہ عدالت جس کے لیے تم خود کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے تھے؟ افسوس ہے مختار، میں سوچ رہا تھا کہ ایک عرب مرد دلاور میدان میں اترا ہے تاکہ شیعہ خوار اور کمزور نہ ہو۔ کیا تمہیں یہ توقع تھی کہ میں اس خود فروش اور مریض حضرمی شیخ کے سامنے گونگا رہتا؟ علی کے بیٹے کی حمایت کے جرم میں مجھ پر کلہاڑی اٹھائی تھی تو کیا مجھے اپنی گردن کٹوا لینی چاہیے تھی؟ جو برحق ہے وہ عدالت اور قاضی کے فیصلوں سے ڈرتا نہیں ہے، اور ہاں وہ شیعہ جو دشمن کی چال میں مددگار ثابت ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ زندان میں ہی رہے اور سڑ جائے۔ مختار، خال المومنین معاویہ ابن ابو سفیان اس جنگ کا جیتنے والا بادشاہ ہے جو محمد کی میراث پر اٹھائی گئی ہے، تم اور تمہارے چچا اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ تم سیاست کے آدمی ہو مختار، علی کے بیٹے اور عراق کی حکومت کے بیچ سودا کیوں نہیں کر لیتے؟ زندان کیوں نہیں لے گئے؟ ہم نے چاہا کہ ان لوگوں کا تماشا دیکھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ان لوگوں کی گرفتاری ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اب تک آزاد ہیں۔ لوگوں کی آبرو سے کھیلتے ہو؟ لوگوں کی نظروں سے انہیں دور کرو۔ جی امیر۔ آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں بھائیو، شاید اپنے بھتیجے کی مدد سے آپ لوگوں کی ضرورت کو چند دنوں کے لیے حل کر سکوں۔ یہ میرے بھتیجے مختار ہیں۔ السلام علیکم اے مختار۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابو عبید کے بیٹے مختار کے بارے میں بہت کچھ سنا، مجھے فخر ہے آپ سے ملاقات پر۔ ممنون و مشکور ہوں، بیٹھیے۔ خدا رحمت نازل کرے گزشتگان پر، جیسے ہی دروازے سے اندر آئے ہو مجھے ایسا لگا کہ میرا بھائی ابو عبید آیا ہے۔ تمہیں پتا ہے اس لباس میں کس قدر اس کی شباہت رکھتے ہو؟ مرحبا میری جان، تم نے میری عزت بڑھا دی، تمہاری خبریں ایک ایک باریکی کے ساتھ مجھے مل رہی تھیں۔ کیا ضرب کاری لگایا ہے تم نے؟ میں نے سنا ہے کہ مفسدوں نے اپنے ہاتھ ملنا شروع کر دیے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ حالات پرامن ہو گئے ہیں، اب تمام سپاہی حالات پر مسلط ہیں۔ مرحبا میری جان، ہم ان واقعات سے پہلے
جو بھی کچھ اپنے انبار حکومت میں رکھتے تھے وہ امام کے حکم پر بیچ دیا۔ اس وقت حکومت کے موجودہ انبار میرے ہاتھ کی ہتھیلی کے جیسے ہیں، صاف اور پاک۔ بہرحال میں مدائن کے مالدار باشندوں کی مدد سے نا امید نہیں ہوں، آپ لوگ ثبات چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے قافلے کے ساتھ کچھ ضروری اشیاء اور کھانا وغیرہ بھیجوا دوں۔ خدا آپ کی عزت و جاہ و مقام میں اضافہ فرمائے۔ اگر امام کے پاس آپ جیسے 10 افراد ہوتے تو آج وہ مصیبت میں نہ ہوتے۔ مگر مشیت الہی کا کیا ہوگا بھائی، شاید اس مصیبت میں وہ رحمت چھپی ہوئی ہو جس سے ہم بے خبر رہیں۔ آج مثال امام مجتبی رسول خدا کی کل کی حکایت کی جیسی ہے جو احد میں ہوئی۔ احد کی شکست کی ایک برکت یہ تھی کہ اس کے بعد مسلمان بیدار ہو گئے۔ بالکل صحیح، چلنے کی اجازت دیں گے؟ خدا کی پناہ میں، محفوظ رہیے آپ سب۔ جناب مختار، آپ عراق کے نامی گرامی بہادروں کی نسل سے ہیں، دلیر اور بہادر مردوں کی نسل سے۔ آپ کی جگہ نبی کے فرزند کے پاس خالی تھی۔ ہمیں فخر ہوگا کہ ہم آپ کی ہمراہ تلوار چلائیں۔ جو خدا چاہے سردار، پناہ حق میں۔ خدا حافظ۔ خدا آپ لوگوں کا محافظ رہے۔ سنا تم نے چچا کی جان، تم بہادر پہلوانوں کی نسل سے ہو، دیکھ رہے ہو تم اور تمہارا باپ لوگوں کی نظر میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ اس مقام و منزلت کو بچانا ایک مشکل کام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امام کی لشکرگاہ صحابات کا ایک چکر لگا لو۔ لشکر عراق اپنی روح کھو چکا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ تمہیں دیکھ کر ایک نئی جان پکڑ لیں گے۔ بے شک آپ سیاست میں ماہر ہیں چچا جان، آپ نے مجھ سے کہا کہ مدائن کے معاملات اور امام کی جان کی دیکھ بھال میں آپ کی مدد کروں۔ میں نے بھی دل و جان سے قبول کر لیا۔ میں آپ کی امیری اور سپہ سالاری کے بارے میں جس دن تک امام مدائن میں ہیں کسی بھی مدد سے گریز نہیں کروں گا، مگر اس جنگ میں جس کا انجام شکست اور رسوائی ہے اس میں داخل نہیں ہوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہوا اس کا ازالہ نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں چاہتا نہیں، بلکہ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ تم فرما روائی اور معاملات کو سنبھالنے میں ایک بے مثال مہارت اور قدرت رکھتے ہو۔ تم نے ایک آدھے دن میں مدائن کو تسخیر کر لیا۔ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ عراق کی ایک نڈال فوج میں دوبارہ جان ڈال دو؟ میں نے مدائن کو آدھے دن میں فتح کر لیا کیونکہ میں ایک مکمل اختیار رکھتا تھا، کیونکہ میں نے سرکوبی کی سیاست سے کام لیا۔ امام اس طریقے سے متفق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس طریقے میں ممکن ہے کہ بے گناہ لوگوں کی بھی قربانی ہو جائے۔ رنگنے والا بہرام اس کا ایک نمونہ ہے۔ مجھے پتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے، مگر اسے بند نہیں کرتا تو عرب اور عجم کا شور خاموش نہیں ہوتا۔ بہت خوب، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ مجھے امید ہے کہ امام کا مدائن میں رکنا زیادہ طولانی نہ ہو۔ تمہیں کس بات کا غم ہے مختار؟ میری کھیتی باڑی، میری رعایا کے معاملات، روٹی کھانے والے لشکر کو چلانا چھوٹا مشغلہ نہیں۔ کیان، مختار کے ایک اہم مشغلوں میں سے ایک تم ہو۔ اس شیر بہادر کو عورت، زراعت اور روٹی پانی میں قید کیا ہوا ہے تم لوگوں نے۔ کیان، میرا اہم مشغلہ تم ہو؟ میں آپ کا غلام ہوں مختار۔ چقندر کی طرح لال کیوں ہو گئے؟ مرحبا اس حیا، تواضع اور غیرت پر۔ اس کنایہ سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ کیان نے جاریہ کو مجھ سے مانگا ہے، میں نے تمہاری رضامندی کی شرط رکھی ہے۔
क्या तुम नाराज हो गए हो अबू इसहाक? हमारी दोस्ती के बारे में सोच रहा था। कुछ गलत तो नहीं सोचा ना? हकीकत यह है क्या, मेरा रिहाकारी न करने वाला दोस्त मेरी बहन के रिश्ते की खातिर मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। एक अजीब सा एहसास है ज्ञान, जारिया मेरी सगी बहन है और मेरे घर में बड़ी हुई है। ठीक है कि मैंने उसे बाप की तरह पाला, मगर मान लो कि मैं उस पर मुकम्मल इख्तियार नहीं रखता। तुम्हारा हमसे मिल जाना भी मेरे लिए एक अच्छा एहसास है, मगर इन सब बातों के साथ मुझे कुछ नहीं कहना। आज रात मेरे घर आओ और अपने वक्त को देख लो। मेरी रजामंदी तो सिर्फ आधा मसला है। मगर हतमी जवाब जारिया देगी, न कि मैं। एक गहरी मिठास का बायस थी जो कि बदकिस्मती से ना हो सकी। इस लड़की की लापरवाही और बेअदबी बेजवाब नहीं रहेगी। मैंने जितनी रोटी उसे खिलाई और लिबास पहनाया, उतना हक भी रखता हूं कि उसे तमीज सिखाऊं। मरहबा मरहबा उम्मे साबित, क्या बिच्छू आस्तीन में पाला है तुमने? मेरी हुरमत जहन्नुम में जाए, ये होती है मेहमान नवाजी। तुम कूजू को मेरे सर पर क्यों तोड़ रहे हो मुख्तार? जनाब इकयाम, मुख्तार ने आपकी मर्जी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं समझ रही थी कि हमेशा की तरह अपने दोस्त को देखने के लिए आए हैं आप। अगर मुझे पता होता कि आप क्यों आ रहे हैं तो मैं जारी को समझा देती कि कम से कम बदतमीजी ना करे। मैं भी शर्मिंदा हूँ। मैंने ये जुमला अरबों की जबान से बहुत सुना है बानो, कोई बात नहीं। बदतमीज गुस्ताख कहीं की नहीं अबू इसहाक, नहीं, तुम्हें कयान की जान की कसम। वो अभी जवान और मगरूर है, बखुदा उसके गुरूर ने ही उसके इश्क की आग मेरे दिल में जलाई। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सब्र करें। तुम दखल मत दो कियान, उस लड़की ने मेरे गुरूर और शराफत को पामाल किया है। मैं हाथ जोड़ता हूँ बानो, आप ही कुछ कीजिए। जारिया मेरी बेटी की तरह है, मैंने उसे माँ का साया दिया है। चंद ताजियानों की जलन उस मर्द के पास रहने से बेहतर है जो कि हमारी जिंस में से नहीं है। अहानत का इरादा नहीं है मेरा, तुम्हें खुद इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वाकई उसी मर्द के बेटे हो जिसने सबसे पहले ईरान पर हमला किया। उस मर्द के बेटे जो बहादुरों को जेर कर देता था, उस हाथी के शिकार करने वाले के बेटे जिसका अंजाम ये हुआ कि एक ईरानी हाथी के पांव के नीचे आके मर गया। तुम उस बाप के बेटे होते तो तुम्हारा गारतगर दोस्त एक बेनामो निशान ईरानी ना होता। अपने मुंह से ज्यादा बड़ी बात कर रही हो बदशक्ल बेअदब लड़की। मैं अपनी औकात के मुताबिक बात कर रही हूँ मुख्तार। मैं एक अरब की बेटी हूँ, अबू उबैदे सकफी की बेटी जो अपने आप में एक लश्कर था। तुम अब तक मुझे उस यतीम बच्चे की नजर से देखते हो जिसके भाई ने उस पर एहसान किया और उसे बड़ा किया। तुमने मेरी कफालत की ताकि मेरी जान का सौदा करो। तुम अगर मेरे दिलसोज भाई होते तो इस तोहीन को मेरे हक में कभी कबूल ना करते। तुमने कैसे कबूल कर लिया कि एक बेनामो निशान ईरानी अरब की तमाम तर रस्मों को पामाल करके अपनी हवस की नजर कर दे मुख्तार? फजीलत किसी कौम नजाद और कबीले से नहीं है नाफहम लड़की, हम मुसलमान हैं। उस ईरानी के बारे में क्या जानती हो जो इसकीने और बुग्ज के साथ उस पर हमला कर रही हो? तुम एक ना से भी उसे जवाब दे सकती थी। उसने मेरी तोहीन की और मैंने भी उसकी तोहीन का जवाब दे दिया। मुझे यकीन आ गया कि जाहिल अरब का खून तुम्हारे रगों में जारी है। गौर से सुनो जारिया, अब तक मैं समझ रहा था कि हलाल लुक्म तुम्हारी वैश्याना खुल्क को खूक को बदल सकता है। आज के बाद से तुमसे उन जाहिल अरबों की जबान में बात करूंगा, उन्हें तेग व तबर की जबान में जिन पर इस कदर नाच रही हो। तुमने मेरे दस्तरखान पर कद निकाला है, बस तुम मेरी कनीज हो। अब तक भी यही था,
तुमने हमेशा से एक बुरी नजर से मुझे देखा है। तुम मेरे मालिक हो ना के भाई, चाहो तो जिस भी कीमत पर दिल चाहे अपने उस ईरानी दोस्त के हाथों बेच दो मुझे। कियान को दुल्हन चाहिए, बिच्छू नहीं। मैं तुम्हें कभी भी नहीं बेचूंगा। इस कदर कुंवारी रहो, इस कदर कुंवारी रहो कि तुम्हारे सर के बाल तुम्हारे दांतों के रंग के हो जाएं। शाबाश, शाबाश है जो तुमने इसे तमीज सिखाई है। मैंने उसका साथ नहीं दिया मुख्तार। जारिया एक तन्हा लड़की है। आज उन लड़कियों की खुशनसीबी के बारे में बात कर रही थी जो जिंदा दफना दी गई हैं। वो तमन्ना कर रही थी कि काश वो लड़का पैदा हुई होती। मुझे डर है कि वो पागल ना हो जाए। एक वहम इश्क की दीवानी हो गई है। अगर तुम्हारा दिल उसके लिए जलता तो तुम उसके लिए एक अच्छी माँ साबित होती। तुम तो नाइंसाफ नहीं थे मुख्तार। उसे अपने शौहर के इंतखाब का हक दे दो। इंतखाब करे मगर पिसारे सादिया भी वकास को नहीं। मेरे लिए ये नंगवार का बायस है कि मेरा बहनोई उम्र साद हो। नारिया, अगर मेरे गुरूर को जख्मी किया तो अपने इश्क का सर कलम कर दूंगा। देखा अरब का आजम से क्या रिश्ता है। अगर मेरी जबान से इनकार सुन लेते तो शायद हजारों ख्याल तुम्हारे जहन में आते। मैंने सोचा कि तुम ना का जवाब खुद उस सरफिरी और बागी लड़की के मुंह से सुनो। वो मुख्तार जो मैदान जंग में एक नारा लगाकर फौज को डरा देता है और उनके तन बदन में रोंगटे खड़े कर देता है, उसकी अपने घर की हुकूमत में एक चूहे जितनी अहमियत नहीं है। दर्दनाक बात तो यह है कि मुख्तार एक अली का शिया उस लड़की पर आशिक हो गया जिसके बाप को रसूल खुदा ने लानत की है। उस इश्क की रुसवाई मेरी सात पुश्तों के लिए काफी है। नहीं किया, तुम नहीं। तुम अली के मुखलिस शिया होते हुए ऐसा शरीक हयात चाहते हो जो मलामत की हकदार है। यह नंगवार काफी है कि उम्र साथ एक गंदा और मक्कार भेड़िया जारिया के करीब बैठा है और अपने बाप के नाम और नमूद की बिना पर उसे फरीफ्ता कर रखा है। मेरा हाथ उस दज्जाल तक पहुंच जाए तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मरहबा, आहसानत। उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास के लिए फख्र का बारिश है कि मुख्तार इब्ने अबू बैद सकफी उसका दुश्मन है। मुख्तार बुजुर्ग को गुस्सा दिलाकर बहुत गुरूर का एहसास कर रहा हूँ। आज की रात इस घर में क्या हो रहा है? किस घटिया इंसान की चाल है ये? तुम मेरी आबरू और शराफत से खेलने के लिए आए हो हरामजादे? ज्यादा मत चिल्लाओ मर्दे मोमिन, खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ ना हो जाए। ये कोई मैदान जंग नहीं जहां तुम तलवार खींच रहे हो। गलाफ में रखो इसे, मैं मेहमान बनकर आया हूँ। उस मेहमान पर तलवार खींचना जो निहत्ता हो ये कोई जवा मर्दी नहीं है। जिस निजासत ने इस घर को नापाक किया है सर कौन से पाक हो सकती है? आज की रात ये घर हम दोनों में से एक का घर है। मैं ये नहीं चाहता कि लोगों में ये बात फैल जाए कि उम्र साद अपना दिफा भी नहीं कर सकता था और मुख्तार ने उसकी जान ले ली। मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि जो खंजर कमर पर बांधा हुआ है उससे अपना दिफा करो। इसका मतलब है मैंने तुम्हारे बारे में जो फहम और फरासत का सुना तो वो मुबालका था। सर भी जाओ मुख्तार के चचा को खबर दो जल्दी। जी बानो,
मेरा जुर्म मालूम करने के बाद मुझे मारना नहीं चाहोगे? तुम्हारे जुर्म को तुम्हारी कब्र पर लिख दूंगा। अपना दिफा करो। मैं जारिया का हाथ मांगने आया हूँ, जंग करने नहीं। जारिया तक पहुँचने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैं जारिया के आंसू नहीं देखना चाहता। नारिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ, सिर्फ तुम मुख्तार को ठंडा कर सकती हो। मैं डर रही हूँ जारिया, वो आज रात बहुत जख्म खा चुका है। बेवकूफ ना बनो मुख्तार, हम इस मौजू को मर्दाना अंदाज में हल कर सकते हैं। मैं तो अपने सामने मर्द नहीं देख रहा। तुम अगर मर्द होते तो आली उमैया की दरगाह में किसी कुत्ते की तरह न भौंकते। मुआविया ने तुम्हारे बाप को जहर से मार दिया और तुमने बजाय इंतकाम के अबू सुफियान के बेटे के हाथ पांव चूमने शुरू कर दिए। जो अपने बाप के खून पर थूके वो उस हैवान की तरह है जो अपने ही मुर्दगान का गोश्त खाकर अपना पेट भर लेता है। खंजर निकालो, लाश खाने वाले दामाद, अपना दफा करो। याद रखना, तुमने खुद कहा था मैं आज रात खै के इरादे से इस घर में आया था। अफसोस है कि मेरे हिस्से में शर आया। खूब सर्ब लगाते हो मुख्तार, मगर मैं भी जंगजू आदमी हूं। आज की रात या तो इश्क के किले के दीवाने और सरफिरे दारोगा पर गलबा हासिल कर लूंगा, या फिर माशूक के विसाल की राह में जान दे दूंगा। को मार दे, कुछ करो। इस जंग का अंजाम सो का लिबास है जो हम दोनों में से कोई एक पहनेगा। मेरे भी हाथ पांव फूल रहे हैं जारिया, अब तक मुख्तार को मैंने इस हाल में नहीं देखा था। तेरा पांव टूट जाए सब भी कहां चले गए। फकत सईद ही इस जंग की आग को बुझा सकते हैं। साबित कर दूंगा कि फातह ईरान का बेटा। ईरान के फातह सरदार के बेटे, अगर जरा बराबर भी कोई इज्जत तेरे लिए बची है तो वो तेरे बाप की तरफ से मीरास है। बाप की फुतूहात पर नाज करना हुनर नहीं है। मैं देख रहा हूँ किस तरह तुम मिट्टी में लौट रहे हो। बेहुनर मरते मुकाबिल को तलब करना इतने शोर में। जाओ चचा की जान। तुम कहां और सफेद महल कहां स्पेशल साथ? अमर खैर के लिए आया था मैं। आपके महल के रस्सी तोड़ाने वाले कुत्ते ने मुझे पंजे दिखाना शुरू कर दिए। कौन सा अमर खैर नामर्द? हाथ मांगने आया था मैं जारिया का। जो खुद गधा होता है वो दूसरों को भी अपनी तरह गधा समझता है। हाथ मांगे जाने के भी कुछ रस्म मरासिम होते हैं। तुम घर वालों की इजाजत के बगैर, दक्कुल बाप के बगैर, और वो भी उस रात में जब सफेद महल रसूल खुदा के बेटे का मेजबान है, इस हुकूमती महल में आए हो ताकि लड़की का हाथ मांगो। तो कहां गलती की है मैंने? इजाजत के बगैर इसलिए आया हूं क्योंकि जानता था कि मुझे खुश आमदीद नहीं कहा जाएगा। दरवाजा नहीं खटखटाया क्योंकि मुझे पता था कि दरवाजा मुझ पर नहीं खोला जाएगा। आज की रात ये महल रसूल खुदा के बेटे का मेजबान है तो मैं भी तो रसूल खुदा की सुन्नत हसना पर अमल करने के लिए आया हूं। कहीं ना कहीं गलत बयानी से काम ले रहे हो उमर। हमने हुक्म दे रखा था
कि जो कोई भी बगैर इसने दुखूल दाखिल हो जाए उसका खून बहा दिया जाए। तुम कैसे इस महल में घुस आए और अब तक जिंदा हो? खूब, ये तो मेरा एक बाल बलन था कि मैं अब तक जिंदा हूं, और ये देखिए मेरा खून भी बहा है। तुम्हारा एक बाल बुलंद नहीं था, एहतमाल इस बात का है कि हमारे महल की दीवारें मजबूत नहीं थी। शायद हमारे दरवाजे का मुहाफिज किसी दिरहम और दीनार की थैली से कमजोर पड़ गया हो। जल्द पता चल जाएगा कि रिश्ता मांगने के बहाने के पीछे कौन सी गलत नियत छुपी हुई थी। डाल दो इसे कैदखाने में। तुम तो एक अकलमंद और बातकवा मर्द हो हजरत वाली, किस अदालत पसंद दलील के तहत मुझे कैद कर रहे हो? अभी कोई हुक्म सादिर नहीं हुआ है, तुम चंद दिनों के लिए महल के मेहमान हो। जनाब वाला, अली के बेटे के लिए कोई दर दीवार बचे ही नहीं है जिन्हें मुझे फताह करना पड़े। आप खामखा शक कर रहे हैं। यही तो तुम गलतफहमी के शिकार हो गए हो। मैं जब तक रसूल खुदा के बेटे का मेजबान हूं, ये तहैया कर चुका हूं कि शामी शैतानों के तरीके पर हुकूमत करूं। अगर कोई दलील हुई तुम्हारे पास तो मैं मुहाकमे में सुनूंगा। उस बिच्छू को मेरे हवाले कर दे चाचा जान, मैं वादा करता हूं कि उसकी जबान खुलवा दूंगा। एक शर्त पर मुख्तार, वादा करो कि उसे मारोगे नहीं।